आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, डी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 4 साइन स्क्वेयर एक्स। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करना स्टूडेंट, तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज होती है हम उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो इसको हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू जीरो। जब हम लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, वहां से एक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। तो अब हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डी को इक्वल टू एम पुट करते हैं और वाई को इक्वल टू वन पुट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे पुट डी इक्वल टू एम एंड वाई इक्वल टू वन। तो जब हम इस इक्वेशन में डी को इक्वल टू एम और वाई को इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा एम स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये एम स्क्वेयर तो स्टूडेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू 4 ही तरह का बन जाएगा माइनस 4। अब जब यहां पे हम बोथ साइड पे इसका स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर रूट ऑफ एम स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 4, ये इसके साथ कैंसिल होके आ जाएगा एम इक्वल टू 4 का स्क्वेयर रूट 2 माइनस आ रहा है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 एटा। तो ये स्टूडेंट यहां से हमारे पास एम की वैल्यू आ गई। अब यहां से क्या करेंगे, वाई सी जो है वो लिख लेंगे। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास फिर वाई सी जो है वो आ जाएगा इक्वल टू सी वन कोज एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, साइन सॉरी यहां पे आएगा साइन कोज टू एक्स सी वन कोज टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स। यहां पे हमने इमेजिनरी पावर लिखना होता है ना, तो एटा सा टू आ रहा है तो यहां पे टू एक्स और यहां पे टू एक्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वाई सी आ गया है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, वाई पी जो है वो फाइंड करना है। तो यहां पे लिखेंगे एंड वाई पी। अब वाई पी के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, जो इस साइड पे वैल्यू हो उसको इधर लाके डिवाइड कराना होता है। तो ये आ जाएगा वन ओवर डी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 4 साइन स्क्वेयर एक्स। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है कि जो साइन स्क्वेयर एक्स है इक्वल टू होता है वन माइनस कोस टू एक्स ओवर टू के। तो यहां पे हम साइन स्क्वेयर जो एक्स है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट वाई पी इक्वल टू वन ओवर डी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 4
और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। तो ये जो 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s आर 2 2s आर, तो ये आ जाएगा yp इक्वल टू 2 इंटू, इसका मंत्र अप्लाई करवा देंगे, 1 माइनस कोस 2x ओवर डी स्क्वेयर प्लस 4। अब ये दो टर्म आपस में ऐड हो रही है, इसके साथ ये लैदा से डिवाइड होगा, इसके साथ लैदा से, तो ये आ जाएगा वाई पी इक्वल टू 2 इंटू, यहां पे आ जाएगा सुनो 1 ओवर डी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 1 ओवर डी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू कोस 2x। अब फ्रेंड यहां पे 1 आ रहा है और हमें पता है e की पावर 0 x जो है इक्वल टू होता है 1 के, तो इसका मतलब हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं इसको e की पावर 0 x, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आ गया, जब एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो हमने क्या करना होता है, डी की जगह पे यहां पे ए की वैल्यू पुट करनी होती है, तो वो हमारे पास 0 आ रही है, तो ये बन जाएगा वाई पी इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर, यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 4 माइनस, अब यहां पे डी स्केयर की जगह पे हमने क्या पुट करना है स्टूडेंट, डी स्केयर आ रहा है और डी स्केयर पे हमने ये पुट करना होता है माइनस डी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए क्या होता है जो एक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि डी स्क्वायर पे हम पुट करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, जब माइनस 2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4, माइनस 4 और ये प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, और हमने पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 बन रहा हो तो फिर हमने क्या करना होता है, ऊपर लगाना होता है x और नीचे इसके कर देना है डेरिवेटिव अप्लाई, तो ये आ जाएगा 2d और इसका 0 इंटू कोस 2x। अब यहां पे आ जाएगा y p इक्वल टू 2 इंटू, ये बन जाएगा 1 ओवर 4 और ये हमारे पास माइनस x ओवर 2, और 1 ओवर d का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन। अब हम इसकी कर देंगे इंटीग्रेशन, जब इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x ओवर 2, तो यहां पे स्टूडेंट ये वाई पी इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 4 माइनस x साइन 2x ओवर 4। अब इन दोनों में से 1 ओवर 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे, जब सुन हम यहां से 1 ओवर 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा y p इक्वल टू 2 ओवर 4 इंटू 1 माइनस x साइन 2x, अब ये 2 1s आर 2 2s आर कैंसिल हो, क्या जाएगा y p इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस x साइन 2x। अब इसका हम जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे, द जनरल सोल्यूशन इज y is equal to yc plus yp, तो yc हमारे पास निकला है c1 cos 2x plus c2 sin 2x और yp हमारे पास ये निकला है plus 1 over 2 into 1 minus x sin 2x। तो ये स्टूडेंट इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो आ जाएगा।